दोस्तों, राम राम। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है इन्फिनिक्स हॉट एट लॉन्च हो चुका है। आपको पता होगा कल के डेट में लॉन्च हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको इनके प्रो और कॉन्स के बारे में बताने वाला हूँ और साथ ही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि क्यों आपको जो है इन्फिनिक्स हॉट एट परचेज करना चाहिए और क्यों नहीं परचेज करना चाहिए। तो पूरे डिटेल्स आज की इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जो इसी तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ। तो इन्फिनिक्स हॉट एट जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए जो लॉन्च हुआ, जिनकी प्राइस रखी गई है 6,999 रुपए, यानी कि 7,000 में इस फोन को जो है आप इजी वे में जो है परचेज कर सकते हैं। तो इस फोन की सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की, क्योंकि लोग यहां पे डिस्प्ले पे ही काफी ज्यादा अपनी जान छिड़कते हैं। तो डिस्प्ले की बात करते हैं। डिस्प्ले आपको यहां पे 6.5 इंच की मिल जाती है, जो कि दोस्तों आपको जो है फुल HD IPS डिस्प्ले आपको मिलता है। जो आपका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो रहने वाला वो 90.2 आपका रहने वाला है बॉडी रेशियो। और साथ ही दोस्तों अगर इनके मैं मेमोरी की बात करूं तो यहां पर रोम जो आपको मिल रहा है वो 6/64 मिल रहा है, जो कि आपके DDR4 आपको मिल रहा है, जो कि फास्टर रोम है, काफी ज्यादा यहां पे आपके फास्ट में फाइल को जो है ट्रांसफर कर देगा और साथ ही आपको डाउनलोडिंग में काफी ज्यादा यहां पे बेनिफिट होने वाला है, खास करके रोम की रिकॉर्डिंग। अब बात आ जाती है बैटरी की। बैटरी दोस्तों किसी भी फोन का जान होता है, क्योंकि यहां पर आपको 5000 mAh की बैटरी दिया जा रहा है इन्फिनिक्स हॉट एट में। तो 5000 mAh की यहां पर आपको बैटरी मिल रही है। कंपनी का दावा है कि अगर आप इसे केवल फोन यूज करेंगे तो यहां पर होगा क्या कि आपके बैटरी 3 दिन तक चलेगी। अगर आप इसे मॉडरेट करके यूज करेंगे तब ये बैटरी जो आपको 1.5 दिन तक जो है बिल्कुल चलेगी। यहां पे बीच में जो है कहीं आपको धोखा देने वाला नहीं है। अब बात आ जाता है इस फोन का प्रोसेसर का, क्योंकि दोस्तों आपके पास बैटरी भी अच्छा हो गया, स्क्रीन भी अच्छा हो गया, तब तो भैया दम भी होना चाहिए फोन में। तो यहां पर जो आपको प्रोसेसर मिल रहा है वो हिलियो का P22 प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, जो कि कमाल का प्रोसेसर है। इसमें काफी ज्यादा जो है आपको AI फीचर्स मिल जाते हैं देखने को, क्योंकि हिलियो का जो P22 प्रोसेसर होता है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोसेसर होता है। तो इनके अंदर आपको AI फीचर्स जो मिल जाएंगे, आपको AI पावर मैनेजमेंट का फीचर्स देखने को मिल जाएगा, AI आपको जो है यहाँ पे स्टिकर्स मिल जाएगा आपका कैमरा वाले ऑप्शंस में, और साथ ही खास करके यहाँ पे बैटरी सेविंग फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा P22 हिलियो का इस प्रोसेसर के अंतर्गत। अब बात आ जाती है दोस्तों कैमरा का। आपके पास प्रोसेसर भी अच्छा हो गया, अब कैमरा जो यहाँ पे ट्रिपल कैमरा आपको रियर में देखने को मिल रहा है। पहला आपको मिल रहा है 13 मेगापिक्सल का, जो कि प्राइमरी कैमरा होगा। उसके बाद आपको 2 मेगापिक्सल का आपका डेप्थ सेंसिंग कैमरा मिल रहा है, जहां पे आप ब्लर वाला और DSLR लाइक वाला फोटो आप जो है खींच सकते हैं। और तीसरा कैमरा जो यहां पे दोस्तों खास बात इसमें, ये लो लाइट कैमरा होगा, जो कि आपके लो लाइट में एक अच्छा फोटो खींचने का जो है आपको खींच करके देगा, ताकि आप का दिल में जो है ये इन्फिनिक्स हॉट एट जो है वो आपका जगह बना लेगा। तो ये फोन का जो है फुल टू कैमरा रहा। अब फ्रंट में सेल्फी कैमरा जो है आपके आपको 8 मेगापिक्सल का मिल रहा है विथ फ्लैश, यानी कि रात में भी आप अच्छे से फोटो जो है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। करते हैं इसके नेटवर्क कनेक्टिविटी की। नेटवर्क कनेक्टिविटी में दोस्तों यहाँ पे डुअल वोल्टी आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं कमाल की बात ये कहना चाहूंगा कि 7000 फोन के अंदर आपको इतने अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन और साथ ही यहाँ पे डुअल वोल्टी वाले फोन आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ पे सोने में सुहागा वाली बात आ जाती है। अब बात आती है कि दोस्तों आपको इन्फिनिक्स हॉट एट जो है परचेज क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। क्यों इसलिए करना चाहिए कि आपको यहां पे 7000 के अंदर में काफी अच्छे अच्छे जो इंटरेस्टिंग आपको फीचर्स प्रोवाइड हो रहे हैं, जो कि इस रेंज में आपको कोई भी अदर कंपनी जो है प्रोवाइड बिल्कुल ही नहीं करवा रही है। इसलिए इस फोन को आपको परचेज करना चाहिए। अब किस लिए आपको इस फोन को नहीं परचेज करना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर मैं पिछले कुछ जो है इनके लॉन्चिंग की अगर बात करें, तो यहां पर देखिए इन्फिनिक्स हॉट 7 और हॉट 7 प्रो लॉन्च किया था, जो कि यहां पर देखिए इनके प्रोसेसर में जो है कुछ चेंजिंग हो जाता है। अगर आपके पास बजट है, अगर आप 2-3 हजार और एक्स्ट्रा लगा सकते हो, आप 10,000 तक के अगर फोन को परचेज करना चाहते हो इन्फिनिक्स में ही, तो यहां पे इन्फिनिक्स करता क्या है कि सबसे पहले मैं बात करता हूं इन्फिनिक्स 7 के बारे में, जो कि हॉट 7 था। उसमें वहां पे जो यहां पे प्रोसेसर दिया था होलियो का P25 दिया था, जो कि आपका 7 प्रो में आपको जो प्रोसेसर इसमें मिल रहा है P22 ये प्रोसेसर आया था। तो यहां पे इन्फिनिक्स जो है आपका हॉट 8 प्रो भी लॉन्च करने के चांस यहां पे बन जाते हैं। इसलिए बन जाते हैं कि अभी देखिए फेस्टिवल सीजन है, आपको दीपावली आने वाला है, दुर्गा पूजा आने वाला है, तो ऐसे में कंपनी जो है कमाल की बजट रेंज वाली आपको फोन लेके आएगी। इन्फिनिक्स हॉट 8 प्रो भी लेके आ सकती है, जिसमें आपको इससे ऊपर के प्रोसेसर देखने को मिल सकते हैं, जो कि कमाल का प्रोसेसर रहेगा, क्योंकि अभी लोग जो है पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, बहुत सारे तरह तरह के गेम खेलते हैं, तो उसके लिए आपको जो है बेस्ट पावर कंज्यूमिंग और साथ ही आपको CPU को कम खर्च करने वाला आपके फोन के दमदार प्रोसेसर, इस तरह का फोन जो है यहां पे
आपको चाहिए। तो इन्फिनिक्स हॉट 8 प्रो जो है लॉन्च कर सकती है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, आपको थोड़ा सा प्राइस को इंक्रीज करना चाहिए, इसलिए इस फोन को आपको नहीं परचेज करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो यही थी आप लोगों के लिए इन्फिनिक्स हॉट 8 के बारे में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या फिर हमारे सजेशन हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए फटाफट जाइए कमेंट कीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम, फातिमा की जय।